आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच होने वाले दूसरे मैच के लिए प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। क्या इस टीम में यशस्वी जायसवाल और उमरान मलिक जैसे प्लेयरों को मौका मिलेगा या फिर फ्लॉप पहले ओडीआई की सेम टीम के साथ टीम इंडिया इस मैच में भी उतरना चाहेगी, जानते हैं दोस्तों, लेट्स गो। तो दोस्तों, हमारे विचार से वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे T20 मैच के लिए भारत की प्लेइंग 11 इस प्रकार हो सकती है। टीम इंडिया की बल्लेबाजी एक बार फिर सवालों के घेरे में होगी, क्योंकि मेहमान वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीत की राह पर लौटने T20 सीरीज बराबर करने की कोशिश करेंगे। गुरुवार को सीरीज का पहला मैच 4 रन से जीतने के बाद वेस्ट इंडीज 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है। 150 रनों के मामूली लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की बल्लेबाजी में गिरावट का सामना करना पड़ा और 20 ओवरों में केवल 145 रन पर 9 विकेट पर ही सीमित रह गए। नवोदित तिलक वर्मा ने 22 गेंदों पर 39 रन की शानदार पारी खेली और सबको प्रभावित किया। नवोदित तेज गेंदबाज मुकेश कुमार ने गेंद से काफी अच्छा प्रदर्शन किया और एक विकेट लेने में असफल रहे, लेकिन 3 ओवरों में 24 रन दिए। सीरीज बराबर करने की उम्मीद में भारत अपनी एकादश में कुछ बदलाव कर सकते हैं। तो जानते हैं दोस्तों, टीम इंडिया कौन कौन से प्लेयर के साथ इस मैच में खेलने के लिए उतरने वाले हैं। लेट्स गो। इस मैच में हम देखेंगे दोस्तों कि यशस्वी जायसवाल को अपना इस सीरीज का पहला मैच खेलने का मौका मिल सकता है। यशस्वी जायसवाल ने अपने पहले ही टेस्ट मैच में शतक जमाया था और इस मैच में भी अपना शानदार सफर शुरू करना चाहेंगे। वे अक्षर पटेल की जगह इस टीम में ले सकते हैं। ईशान किशन विकेटकीपर बल्लेबाज ने वनडे सीरीज के 3 मैचों में अर्धशतक लगाया था। हालांकि पहले T20 मैच में उनका बल्ला प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा था। शुभमन गिल इस मैच में नंबर 3 पर खेलते हुए हमें दिख सकते हैं और उनका मौजूदा फॉर्म भी काफी अच्छा है। सूर्य कुमार यादव सीरीज के लिए भारत के नवीनतम उप कप्तान। सूर्य कुमार यादव अब तक का दौर बहुत ही खराब रहा है। उन्होंने पहले मैच में 21 रन बनाए थे, लेकिन उनका लक्ष्य एक बड़ी पारी खेलना जरूर होगा। संजू सैमसन एक दिवसीय श्रृंखला में निर्णायक मैच में शानदार अर्धशतक बनाने के बाद ऐसा लग रहा था कि सैमसन अपनी लय पकड़ लिए हैं। हालांकि पहले ही T20 मैच में केवल 12 रन ही बना पाए थे। तिलक वर्मा बाएं हाथ के बल्लेबाज ने अपने पदार्पण में ही चमक बिखेर दी और 22 गेंदों में शानदार 39 रन बनाए थे। वे इस मैच में खेलते हुए हमें दिखेंगे। हार्दिक पांड्या पहले T20 मैच में भारत का नेतृत्व करने वाले हार्दिक पांड्या की काफी आलोचना हो रही है और इस बार अपने आलोचकों को चुप कराना चाहेंगे। कुलदीप यादव इस मैच में हमें खेलते हुए जरूर दिखेंगे दोस्तों। अर्शदीप ने पहले T20 मैच में काफी अच्छा प्रदर्शन किया और वे इस मैच में भी खेलते हुए दिखेंगे हमें। उमरान मलिक युवा घातक तेज गेंदबाज हमें इस मैच में खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं और वहीं युजवेंद्र चहल अनुभवी लेग स्पिनर गेंदबाजी विभाग में भारत की अगुवाई करेंगे। वे अपने पिछले मैच में 3 ओवरों में 2 विकेट हासिल किए थे। तो ये थी दोस्तों आज के मैच की प्लेइंग 11। टीम इंडिया आज के मैच में इसी प्लेइंग 11 के साथ हमें खेलते हुए नजर आने वाली है। और भी अमेजिंग फैक्ट के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े दोस्तों। जय हिंद।